भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष सुधाकर भालेराव ने कांग्रेसी नेताओं पर छात्रवृत्ति के संदर्भ में समाज को गुमराह करने का आरोप पत्र परिषद में लगाया। इस मौके पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। स्कॉलरशिप बढ़ाने के साथ ही संपूर्ण प्रक्रिया को केंद्र सरकार ने पारदर्शी कर दिया है। केंद्र का 60% और राज्य सरकार का 40% हिस्से की सिफारिश की गई थी, जिसे मान्य किया गया। इससे देश भर के 4 करोड़ अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। उसके साथ पूर्व विधायक मिलिंद माने भी इस समय उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय के कारण आज विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप का पूरा लाभ मिलने वाला है, लेकिन कांग्रेस की नेता मंडली संभ्रम निर्माण कर रही है, गुमराह कर रही है। उन्होंने बताया कि आज विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप के संदर्भ में केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने केंद्र का 75 और राज्य का 25% हिस्से का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन संसदीय समिति ने 60-40 के अनुपात की सिफारिश की थी। विरोधक केवल विरोध के लिए विरोध कर समाज में असंतोष निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें वे सफल नहीं हो पाएंगे। विद्यार्थ्यांना 10वी पर्यंत बसा बसा जैसे शिक्षण देऊ शकतो, परंतु उच्च शिक्षणासाठी ज्यावेळेस त्यांना स्थलांतरित व्हायची वेळ येते, त्यावेळेस त्यांची आर्थिक परिस्थिती अडचणीत असल्यामुळे त्यांना पुढील शिक्षण घेण्यासाठी अडचणी येतात, त्यामुळे ते शिक्षणापासून वंचित। अशाचीच संख्या 1.36 लाख अशा पद्धतीचं वाढ त्या ठिकाणी होत होती, परंतु नरेंद्र मोदी सरकारने त्या ठिकाणी 1100 कोटीच्या बजेटमध्ये 6000 कोटी रुपयाची भरीव अशी वाढ करून पंचवार्षिक योजनेमध्ये जवळपास 59,848 कोटीचा भरीव निधी त्या ठिकाणी तरतूद करून वाढ केल्यामुळं सबंध भारत देशातल्या विद्यार्थी विद्यार्थिनींना आता पुढील शिक्षणाची ही नामी संधी मिळालेली आहे। त्यामुळं सबंध महाराष्ट्राच्या वतीनं या ठिकाणी नरेंद्र मोदी सरकारचं मी या ठिकाणी मनापासून अभिनंदन करतो। धन्यवाद। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोड के साथ संजय मिरे की रिपोर्ट, BCN News नागपूर।